हे बाबा पैर धरे बाबा पैर करे हे बाबा पैर करे हे बाबा पैर करे हे बाबा पैर करे हे बाबा पैर करे आसन खे बाबा पैर करे हे बाबा पैर करे हर घर अंदर धर्मशाल घर घर विच धर्मशाल बनाई जिथे जिथे गए यही उपदेश कीता धर्मशाल बनाओ सब तो पहली धर्मशाल बनाई सज्जन ठग दा घर आखिया सज्जना इस घर विच बहुत मारे दी बड़े पाप कीते नी ए हुण पाप तेरे ए तां धोते जा सकदे हन जे हुण तू कीर्तन करे इत्थे संगत सजाए ता पातशाह तुसी बाबे आखिया जिथे संगत है जिथे कीर्तन है नानक बार ता नहीं इत्थे ही है पातशाह तुसी ता आखदे हो मेरी तैयारी है हां सज्जना मैं जा रहा ते पातशाह इत्थे कीर्तन होवे ते संगत जुड़े ते तुसी आखदे हो मैं जा रहा बाबे आखिया सज्जना सूरज एक आकाश विच चमक रहा है कितने घड़े पानी दे भर के रख लै उतनिया विच वसेगा के नहीं सारे विच अक्स पाएगा के नहीं अकेली पाएगा बाबे आखिया इसे तरह जिथे जिथे कोई प्यार वाला बैठा है अनेक हैं फिर एक है वो एक तो अनेक होके सब थाई विचरदा है सब थाई वरतदा है नानक वरतै गुप्त गुरमुख प्रगटिया वाहिगुरु गुप्त रूप विच सब थाई वरतदा है पर जिथे कोई गुरमुख बैठा है उथे वो प्रगट होके वरतदा तो गुरमुखां दी कार है अमृत वेले जागना इशनान करना नाम जपना संगत विच आवना इन अपने हिरदे नूं गुरु नानक दा आसन बनावना ते जिदन गुरु बाबे ने सिरदे ते पैर चा रखिया ए शरीर पूजनीक हो जाए इस शरीर नूं एडी बख्शीश मिलेगी कि जिथे ए पैर रखेगा देवते उत्थों दी मिट्टी लैके मस्तक ते लाने पर साहिब आखदे ने 68 तीर्थ उसने परसे वही जिसने महापुरख दे चरणा दी तोड़ी विच इशनान कीता क्योंकि मुख तीर्थ जड़े हन गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करें उद्दम नित धूड़ साधु केता नित उद्दम करदे हन ए तीर्थ रोज पुकारा करदे हन हे साधु महापुरुख रब दे प्यारे हो आओ साडे विच चरण पाओ क्यों तुहानू की लोड़ पै गई इन्हां चरणा दी अके किल विख मैल परे परे हमरे विच हमरी मैल साधु की दूर गवाई तीर्थ 68 मज्जन नाई सतसंगत की दूर परी उड नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई सारी दुर्मत मैल उतर गई जिस वेले गुरु का सिख सरदा नाल संगत विच आया ते उसने नैणा विच कोई तूड़ दा किनका उड़ के पै गया बाबा जी एक दिन कहने लगे रविंद्र साहब कदी गए जी कई बारी गया कदे त्रिपैरे दा कीर्तन कीता है मैं कह जी आसा दी वार दा कीता है फिर लै फिर गल की होई त्रिपैरे दे कीर्तन विच सारे देवते हुंदे ओ चौंकी ओ फिर देवतियां दी है ओ चौंकी बाबा श्याम सिंह करदा सी ब्रह्म ज्ञानी
बाबा श्याम सिंह त्रिपहरे की चौंकी करदा सी, अज भी उसकी यादगार उसके डेरे चो कोई आके एक शब्द जरूर हाजिर कर जाएगा। ते बाबा जी कहन लगे परिक्रमा में जाते हैं कई बारी कोई कख पैर तले आंदा, कोई रोड़ बन के पैर तले चुभदा, वो कख जा रोड़ ना समझो, कोई देवता कोई इहो जिहा रूप धार के फरिश्ते पिया होया है, ओ गुरु रामदास पातशाह दे दरबार दे यात्री मेरे उत्ते पैर रख के जा, मेरे उत्ते पैर टिका के जा, तू गुरु रामदास सच्चे पातशाह दियां परिक्रमा कर रहे हैं। उस महान तीर्थ ते आए हैं जिथे हर वेले हर घड़ी हर छिन कीर्तन हुंदा, नहीं ते साध संगत ए जल सरोवर दा ए ता हंसली दे रस्ते नहर च आउंदा, पर जिन्ना चिर ए नहर च है ए पानी है, हंसली विच आके भी ए पानी है, जिस वेले सरोवर विच आ गया ते इस दे विच कीर्तन दा अक्ष पिया ए अमृत हो गया। ए हुण अमृत जल सद ही भरपूरा, अमृत जल सदा भरपूर रहिंदा इस विच क्योंकि इत्थे कीर्तन दा हर वेले प्रतिबिंब है, कीर्तन दा अक्ष है। साध संगत अखंड पाठ रखदे हां नाल कुंभ रखदे हां, इह कला जल दा क्यों रखदे हां कि जो कुछ हुंदा है उसका अक्ष उस जल विच पैंदा, उह जल ही तां सी जिहड़ा मेरे पातशाह ने अमृत तैयार कीता, बाटे विच पा के विच खंडा फेरिया ते निगाह टिकाई उस जल दे उत्ते ते नाल पड़ियां बाणियां, उना बाणियां दा सारा प्रभाव उना नैणां दे रस्ते उस जल विच जिस वेले आया तां साध संगत ओ जल अमृत बन गया ना। उस अमृत दे दित्ते छट्टे ते फिर आकिया गिदड़ा, गिदड़ां नूं मैं शेर बना दित्ता, चिड़िया नूं एडा बल दिता है कि उठ के बाजां दे पहुंचे तोड़ सुट्टन, किस रस्ते बल बख्शिया सी उस अमृत दे रस्ते, ते अमृत किवें बनिया तां पाणी सी, पर उस विच जिस वेले बाणी डक्स पिया ना पाणी विच, नैणा दे रस्ते उस जल नूं देखदियां बाणी पढ़ के अपना सारा प्रतिबिंब उस विच जिस वेले पाया तां ओ पाणी पाणी नहि रहा, ओ कुछ होर बन गया। ओ जिस वेले पिलाया ते आखिया गिदड़ां तो मैं शेर बनाऊ, चिड़िया तो मैं बाज तुड़ाऊ, तबे गोबिंद सिंह नाम कहूं, कि मेरा नाम गोबिंद सिंह ता है जे ए गिदड़ शेर बनणगे और ए पी के पंज चूल्हे अमृत दे, ए चिड़िया वर्गे बुझ दिल ते कायर निक्की जिंद वाले भी उठ के, ओ जड़े बाज ने ना बाज खबर नहीं दिन विच किन्नियां चिड़िया गुट लैंदे हैं, ये उन्हों का मुकाबला करनी ते मुकाबला करवा भी दिता, बेनती की पातशाह कल का दिन बड़ा भारा है जंग का, क्यों बई कोई खबर, अखे जी खबर यह है कि उन्होंने एक हाथी शराब पिला के उसके मथे दे उत्ते मोटा लोहे का तवा बन के ते सुंड नाल तलवार बद्धी हुई शराब पिला के ते ओ किले वल छड़न गए, जेड़ा उसके अगे आया वह लतारी जाएगा तलवार नाल कट्टी जाएगा ते किले दे दरवाजे नूं आण के मारेगा टक्कर ते दरवाजा तोड़ छुट्टेगा, क्योंकि होर तां किसे तरह वह किले तक पहुंच नहीं सकते, मगर उस हाथी दे बेशुमार फौज होवेगी, जिस वेले किले का दरवाजा टुटेगा तां सारे हमला करके इक्के वारी आ पैणगे। कहन लगे हाथी हुण हाथी का मुकाबला कौन कर सकता है भाई, सारे चुप, गरीब नवाज मस्त हाथी सुंड नाल तलवार बद्धी होई मथे उते मोटा तवा लोहे दा, जिस वेले मारेगा टक्कर हाथी अगे फिर दरवाजा केड़ी गल है वह तो तोड़ लेगा। साहब ने हस के आखिया फिर की होया जी, हाथी भी आ रहे तो साढ़े कोल शेर जो है, सारे सोची पै गए भी शेर कित्थे है, साढ़े कोल शेर कित्थे है, जिस शेर नू हाथी दे सामने करनगे तो सामने बैठा सी बचित्तर से, हजूर दी निगाह पई थापड़ा देख के आखिया आ मेरा शेर है,
लिखा गुरु का शेर है, ये मुकाबला करेगा। क्यों भाई तैयार है जी पातशाह? ये साहिब कीड़ी बल धरे ता फील उसका खान, ये तू कीड़ी नू बल दे देवे ते ओ हाथी नू ढा लवे। हजूर ने थापड़ा बख्शिया, जिस वेले हाथी मारो मार करदा उधरों चलिया, ते मेरे साहब ने आखिया बचित्र सिंगा गुरु के शेर नेदा संभाल, नेदा संभालिया, मार पलाकी ते घोड़े ते चल चल बैठा घोड़े ते, हाथ में लै लिया नेजा, डाल दी लोहड़ी कोई नहीं, किले दा बूआ खोलो भाई, हाथी दे आने तो पहले बूआ खोल दे, अगे शेर खड़ोता है अकल्ला और नाल कोई नहीं। वेखण वाले बड़े हैरान, ओ किले दा बूआ खुलिया, वेखिए भला हाथी दे मुकाबले ते किन्नी क सैना आउंदी है, पर सैना कितनी क आई, एक सिख घोड़े ते चढ़िया जिदे हाथ विच एक नेजा, थापड़ा जो लेके आया सी, शेर दा खिताब जो पा के आया सी, जिस वेले किले दा बूआ खुलिया घोड़े ते चढ़िया भाई बचित्र सिंह आया उस हाथी दे सामने, हाथी नू सचमुच सामने शेर ही दिसिया। हाथी किसे तो नहीं डरदा पर शेर तो झिझकदा। बचित्र सिंह ने दो हाथां विच लै के ओ नेजा पबां दे पार हो गया रकाबां दे उत्ते, ते जो कस के मारिया हाथी दे मत्थे विच लोहे दा तवा विन के ओ नेजा सिर विच जा गया, ते फिर उस नेजे नू जरा कमधाणी वांगू रिड़क दिता, खून दी धार वग तुरी, हाथी दा मूह किले वल सी पर किले वल मूह ना रहा, हाथी दा हुण मूह पिछे सैना वल हो गया, जिहड़ी सैना मगर मगर आ रही सी भी हाथी किला तोड़ेगा असी अंदर जा वड़ांगे, ओ हाथी पिछले पासे मूह करके जो भजिया, अगों जिहड़ी फौज आ रही सी लताड़ी गया और तलवार नाल कट्टी गया, ते बचित्र सिंह ने ओ नेजा संभाल के फिर पिछले पासियों दी नोक चबो के जेड़े पासे चाहे पिछों स्टेरिंग पिया मोड़ दा, हुण इधर चल हुण इधर चल, ओ गुरु का शेर सच्चे पासा दे इक थापड़े नाल प्रसाद संगत अमृत पीता सी, तो अमृत विच ओ केड़ी शक्ति भरी सी बाणियां दी, अपनी निगाह दी यक सूई दी ओ ताकत भर दित्ती और ओ पानी पानी ना रहा अमृत बन गया। इसी तरह हरमंदर साहब दा सरोवर ये आखिया अमृत नाल भरपूर है, क्योंकि इस अमृत विच कीर्तन दा प्रतिबिंब है, कीर्तन दा अक्ष है, और जो यात्रु आउंदे हन बाबा जी कहने लगे कोई ना कोई रूप धार के देवता उन्हां यात्रुआं दे पैरां नाल लिपट, रूप वटा के जिस वेले के दिन चढ़दा फिर ते सारे चले जाते, पर जिहड़ा त्रिपहरे दा वेला हुंदा है उस वेले उन्हां दी ओ ड्यूटी हुंदी है, उन्हां ओ वेला मंग के लिया हुंदा है पातशाह सानूं आ वेला प्रदान करो, इस वास्ते जो कोई उस वेले उठदा है उन्हां सारियां विच किसे ना किसे देवते दा अक्ष हुंदा है, राक्षस नहीं उठ सकदे उस वेले, अमृत वेले देवते ही उठदे देवते, तो जो कोई अमृत वेले गुरु का सिख जागदा है उसकी पदवी देवते दी है। सत्संग उच्चारण करो श्री वाह। धन धन सुहावा सो शरीर थान है, तीर्थ दी की खूबी है क्या वड्याई है, तीर्थ किसे तरह बनदे हैं, जिवें इतिहासक गुरुद्वारा है वही इत्थे नौवें पातशाह आए, ये गुरुद्वारा शीशगंज साहब है, ये बंगला साहब है जिथे अठवें पातशाह ने चरण पाए, तो जिथे बाबे ने पैर धरिया ओ थां पूजनीक होया, ओ थां तीर्थ हो गया, पर जिस गुरमुख दे हिरदे विच गुरु नानक दे चरण वस गए महापुरख भी तीर्थ बन गया।
और उस विच ए वड़ियाई है, खूबी है कि वह चलदा फिरदा तीरथ है। जेड़े नहीं आ सकते ए तीरथ उन्हां पास चला जांदा, जिन्हां ने नाम जपया है, कीर्तन विच मन लाया है। नाम जप जप के भी आखिर महापुरुख मुड़ कीर्तन दे किले विच वसे। सात सिंह उच्चारण करो श्री वाह। हुण कीर्तन हर गुण रवा, हर जस मन लिखा, हर नाम सलाही रंग स्यों, सब किल विख क्रिखा। दन दन सुहावा सो शरीर थान है, जिथे मेरा गुरु करे विखा। ते भाई साहब आखते ने जिथे बाबा पैर करे, जिथे बाबा पैर करे, जिथे बाबा पैर करे, आप अमृत वेले तो साहब जी गोद विच बैठे हर जस सुन रहे हो। गुरु कृपा करे कि त्वाड़ी रसना रसी रवे, इसे तरह त्वाड़े कन ये सदा सरोते बने रहन कीर्तन में, त्वाड़े पैर सुमार्ग चल दे रहन, त्वाड़े हाथ हमेशा दान विच रुझे रवन। इन त्वाड़ा लोक सुखी ते परलोक सवेला ते त्वाड़े सदके साडा भी। वाहिगुरु जी का खालसा। अमृतसर जाने का जिहड़ा प्रोग्राम बनेगा,